रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि त्यौहार 11 अगस्त को मनाएं या 12 को। ऐसे में आप भी यह जानना चाहते होंगे कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार रक्षाबंधन को लेकर ज्योतिषियों का मानना है कि सावन पूर्णिमा को दो दिन 11-12 अगस्त यानी गुरुवार और शुक्रवार को मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू हो रही है, जो 12 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि दोनों दिन होने के कारण लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 को। इसको लेकर ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि 11 अगस्त को भगवान सूर्य की पुत्री भद्रा का साया होने के कारण 12 अगस्त को राखी बांधना शुभ होगा। विद्वानों का कहना है कि 11 अगस्त को भद्रकाल सुबह से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। सनातन धर्म के मुताबिक रक्षाबंधन जैसे शुभ कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं किए जाते हैं, इसलिए कुछ ज्योतिष शास्त्री 12 अगस्त को ही राखी बांधना शुभ मान रहे हैं। हालांकि 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही पूर्णिमा तिथि है, इसलिए सुबह 7:05 से पहले ही राखी बांधना या बंधवाना शुभ रहेगा। इसको लेकर बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में मारवाड़ीगंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित रमाकांत दीक्षित ने बताया, 12 अगस्त को सौभाग्य योग है, क्योंकि निर्णय सिंधु के अनुसार उदय व्यापनी तिथि सूर्योदय के 3 घटी होने के कारण शुक्रवार को ही रक्षाबंधन मनाया जाना शुभ है। मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ, कोई भ्रांति का विषय ही नहीं है। रक्षाबंधन का महापर्व सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख को ही आप लोग मनाएं। 12 तारीख को सौभाग्य योग है, जिससे भाई का तिलक करने से उसे समर्थवान सौभाग्यवान बनाएगा जाकर के। और उदय व्यापनी होने के कारण हमारे सारे ग्रंथों में लिखा है कि रक्षाबंधन का महापर्व 12 तारीख को ही है, क्योंकि निर्णय सिंधु में लिखा है उदय व्यापनी तिथि 3 घटी होने के, सूर्योदय से जो 3 घटी तिथि हो वो तिथि पूरे दिन धारण करना चाहिए। और वो हमारे पास में है, वो हम उसको मैंने माना है कि उदय व्यापनी तिथि है और 98 है, हमें 72 मिलना चाहिए, वो 98 है, इसलिए 12 तारीख का कोई भ्रम नहीं है, कहीं भ्रांति नहीं। आप लोग कतई संशय मत करें, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है रक्षाबंधन सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त को ही मनाएं।